वेलकम बैक पार्ट 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे फिर से हम एलिमिनेशन मेथड यूज करने वाले हैं जो हमने पार्ट 8 के अंदर डिस्कस किया था। एलिमिनेशन मेथड यूज करने से पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, इनके कंपैरिजन में ये दोनों नंबर छोटे हैं, तो मैं x के कोफिशिएंट को इक्वल करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो मुझे यहाँ पे 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, नीचे की इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 4 हट जाएगा, जो हमें नहीं करना है ऐसा। तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3 टू जा 6y इज इक्वल टू 8 टू जा 16। और यहाँ पे 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, राइट। अभी इक्वेशन ए हो गया आपका और ये इक्वेशन बी हो गया। बाहर से हम माइनस करेंगे तो ये प्लस में था माइनस हो गया, प्लस में था माइनस, प्लस में था माइनस। आप देख सकते हो 4x 4x ये दोनों कैसे हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस ये भी कट हो गया, 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा। बट यहाँ पे हमारे पास कोई x और कोई y नहीं बच रहा है। इट मीन्स जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। फिर से मैं आपको बता दूं, जब मैंने आपको ग्राफिकल मेथड बताई थी, ठीक है, ग्राफिकल मेथड बताई थी, तो उसमें हमारा एक केस 3 था, केस 3 था, जिसके अंदर a1 बाय a2 विच इज इक्वल टू b1 बाय b2 विच इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 था। ठीक है, अगर आप इसका कंपेयर करोगे, देखो ये मेरा a1 a2 b1 b2 और c1 c2, तो 4 बाय 4, 6 बाय 6 एंड 16 बाय 7, ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, बट इनकी वैल्यू 1 नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और इसमें आपने देखा था कि इसका जो ग्राफ था वो किस तरीके से बनता था, दोनों पैरेलल लाइन, और कंडीशन थी नो सॉल्यूशन। तो आपको हर एक मेथड सीखने के साथ प्रीवियस मेथड को भी याद रखना है। यहाँ पे x और y कुछ बच ही नहीं रहा है, तो हम कहाँ से x और y को निकालें, इसलिए यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।